देखा ना, देख देख देख, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, देखो देखो देखना, देखो देख रहे हैं सब। अच्छी बच्ची नहीं रोते। दूध चाहिए, दूध दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध लेकर। अरे अरे अरे, दिखाओ 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 दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। अरे वाह, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो ये रहा दूध, ये दूध मैं ये ठंडा कर रही हूँ ना, ये रहा दूध, ये रहा दूध। और भैया की बोतल कहाँ है? ये रही बोतल, ये इसका ढक्कन है ना, ये देखो है ना। आई मैं पलट रही हूँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो अभी अभी देखा आपने, शिवम इतना रोया था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आपने खुद ही देख लिया होगा। और ऐसा ये पहली बार हुआ है जो कि वो इतना रोया है, पहले इतना कभी नहीं रोया। क्योंकि आज क्या हुआ कि बेटी ने ना आज दलिया बनवा लिया दूध वाला, तो दूध जो है मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा। और मैंने सोचा ये इसको मैं कुछ और अलग से खिला दूंगी, थोड़ा सा मैंने दूध उसमें बचा लिया था, बट वो भी ख़त्म हो गया दूध। इसको एक दो बार पिला दिया, दिन में कई बार दूध पी लेता है, तो अभी ये दूध के लिए ही इतना रोया है, इतना रोया है, दूध ख़त्म हो गया। तो अब आएगा शाम को, तो अब काफ़ी देर से मैं इसे समझा रही थी कि कुछ और खा ले, बट नहीं, दूध ही चाहिए। तो वो तो अच्छा है कि मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो मेरी छोटी सिस्टर रहती है यहीं थोड़ी दूर पर, तो मैंने उसके घर से थोड़ा सा दूध मंगाया है। जितनी देर में वो बेटी मेरी वहाँ से दूध लेकर आई है ना, उतनी देर इतना रोया है, इतना रोया है। और जब दूध मैंने उसको पिला दिया तो देखिए दूध पी के ना तुरंत ही सो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। घर में अंधेरा हो रहा है, पहले थोड़ा सा ये दरवाज़ा खोल दूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। धीरे से खोल रही हूँ ताकि जग ना जाए वो। ये देखिए, ये देखिए, ये सो गया है यहाँ पर। तो दरवाजा मैंने उधर से बंद कर दिया है, उधर से शोर आता है काफी, बच्चे खेलते हैं ना बाहर, थोड़ा मतलब खाली सा एरिया पड़ा है तो बच्चे खेलते हैं, शोर आता है, इसलिए मैं दरवाजा बंद कर दिया है मैंने, ताकि वो जगे ना, बहुत जल्दी उठ जाता है किसी भी आवाज से। और ऐसी जिद आज इसने करी है, ऐसी जिद उसने कभी नहीं करी, क्योंकि मैं हमेशा उसे टाइम पर दूध दे देती हूँ, टाइम पर जो भी कुछ खाने पीने का होता है वो सब कुछ दे देती हूँ। बट आज क्या हुआ कि मैंने वो दूध मांग रहा था, मम्मी दूध, तो मैंने उसे दूध नहीं था, तो मैंने उसे कुछ खाने को दिया, तो उसने नहीं खाया। दूध चाहिए, अब दूध था नहीं तो मैं कहाँ से लाऊँ, तो बस यही रोने लगा। और सुबह के जो काम थे वो मैंने सारे कर लिए थे, और ज़्यादातर अपने दादू के साथ ही रहता है, वो खेलता रहता है, जब भूख लगती है तभी आता है मम्मी दूध, और खाने को वैसे खा लेता है हर चीज़, बट थोड़ा आज जिद कर गया दूध के लिए, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया। और वैसे भी आपने देखा ही होगा, जब घर में कोई चीज़ नहीं होती बच्चे अक्सर उसी चीज़ को मांगते हैं। तो अब उठेगा तो उससे पहले मैं देखती हूँ मैगी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर उठते ही फिर दादू के पास भाग जाएगा कि दादू पास जाना है, क्योंकि दादू उसे ना घुमाते रहते हैं दुकान से, उसे चीज़ वीज दिलवाते रहते हैं, मतलब कि कभी कुछ दिलवा दिया खाने के लिए, कभी कुछ दिलवा दिया, तो वो ज़्यादातर दादू के साथ ही भागता रहता है। और बना देती हूँ उसको खाने को कुछ हल्का फुल्का, तो उठेगा तो मैं खिला दूँगी, और उसके बाद फिर तो दादू के पास ही चला जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैं चला लेती हूँ अब गैस और इस पे चढ़ा देती हूँ भगोना। इसमें डाल देती हूँ पानी क्योंकि मुझे शिवम के लिए मैगी बनानी है तो ज़्यादा चटपटी नहीं बनाऊंगी, जैसी है ऐसी ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने ये दो मैगी, यानी 5-5 रुपए वाली दो मैगी है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी। और उसके लिए मैं सूखी मैगी नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल सूखी नहीं, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा उसमें गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, मतलब कि थोड़ा पानी हो जाए उसमें इस तरीके की, क्योंकि वो अच्छे से खा लेता है और जो सूखी होती है उसे खाता नहीं है वो, इसीलिए। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें मैगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ली है ये यिप्पी, क्योंकि मैगी मिली नहीं थी तो मैंने यिप्पी ले ली है। अब मैं इसको ओपन करके इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर ये मैंने ओपन कर ली है ये देखिए, और दूसरी वाली भी कर लेती हूँ ऐसे ही। और इसमें से ये पाउच मसाला है दोनों, हाँ ये पाउच है, तो ये मैंने खोल लिया है और इसमें डाल दिया है ये मसाला। ये दूसरा मसाला भी डाल दिया। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये मैगी। और ये दूसरी वाली यहाँ पर बन रही है हमारी मैगी, और इधर मेरी बेटी पी रही है चाय बिस्किट। तो देखिए, और शिवम खेल रहा है अपने दादू के पास, वो दादू के पास से आएगा तब तक ये मैगी बन जाएगी। तो ये देखिए बस बनने ही वाली है। तो ये देखिए हमारी मैगी बन गई है, और इसमें थोड़ा सा पानी है ना हल्का सा, तो उसको ऐसे ही पसंद है क्योंकि वो थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा पानी ले लेता है। तो चलिए मैगी हमारी बन गई है ये देखिए। स्पून से खाते हैं, स्पून से खाओ, स्पून से। खा लो। हम एक गली।